First, create a cube. क्यूब तुम्हारा हिसाब से उनका साइज सेट करो, ओके। साइज सेट करने के बाद का लोकेशन सेंटर पे रखो। बाद में हमको चाहिए एक सिलेंडर, सिलेंडर ले लिया आप, फोर व्यू में देखो, उनको सेंटर पे रखो, ओके। सेंटर पे रखने के बाद नीचे भी रखो, और ऊपर थोड़ा विड्थ नहीं और कमाओ, और थोड़ा सा हाइट कर दीजिए, इतना हो जाएगा, ओके। और अब फ्लैग का सब हो गया। इसी के बाद लेना है एक प्लेन, प्लेन लेने के बाद उनका ओरिएंटेशन चेंज कीजिए, माइनस एक्स, माइनस एक्स के बाद हाइट ज़्यादा 617 सेंटीमीटर, विड्थ 205 रखिए, और छोटा भी कर दीजिए। इसके बाद फोर व्यू फिर से चलिए, उनको सेंटर पे लगाइए। तो बाद आ जाइए, इसके बाद तो क्या करना है ना, कन्वर्ट ए पैरामेट्रिक ऑब्जेक्ट इनटू पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट, देयर इज अ शॉर्टकट ओनली सी, तुम सी मार सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। बाद में राइट क्लिक, सिमुलेशन टैग, देन क्लॉथ, आ गया क्लॉथ। इसके बाद हमारा यूज पॉइंट मोड होल्ड कंट्रोल प्रेस करके भी तुम कर सकते हो, तो क्लिक कीजिए, सिलेक्शन टूल जाइए, फोर व्यू आ जाइए, तो सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, बाद क्लॉथ को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद फोर्स ड्रेसेस, ड्रेसेस के फिक्स पॉइंट को सेट कर दीजिए, वो जो फिक्स पॉइंट है उसी पॉइंट से राइट तक वो फ्लैग झंडा उड़ेगा, ओके। फिक्स पॉइंट को सेट कर दीजिए, मैं सेट कर दिया। फोर्स को आ जाइए, गो जीरो रखिए, तुम्हारा हिसाब से देखिए अभी फ्लैग उड़ रहे या नहीं, नहीं उड़ रहे, अभी उनका स्ट्रेंथ बढ़ाइए, ओके, देखिए, ओके। और जो टाइम लाइन है 90 फ्रेम है, उनको 900 फ्रेम कर दीजिए, क्योंकि ना टाइमलाइन जितना लंबा रहेगा उतना टाइम तक फ्लैग उड़ेगा। अभी देखो हो गया मेरा फ्लैग एनिमेशन, 5 मिनट में मैं फ्लैग का एनिमेशन कर दिया। इसी के बाद फ्लैग को क्या करना है, वो ऊपर नीचे ऐसा ठीक से नहीं उड़ रहे, उनको यहाँ पे तुम सेट कर सकते हो, विंड स्पीड, विंड विंड का डायरेक्शन तुम दे सकते हो, विंड डायरेक्शन ज़्यादा हो रहा है, जीरो कर दीजिए, उनको अभी प्ले कीजिए, बाप रे, वो भी जीरो कर दीजिए, थोड़ा सा विंड स्पीड कम कर दीजिए। कम करने के बाद देखिए मेरा फ्लैग अच्छा से उड़ रहे, देखिए अभी अभी मेरा फ्लैग ठीक से नहीं उड़ रहे, तो भी जीरो कर दीजिए। अभी क्या हुआ कि मेरा फ्लैग ठीक तरीके से उड़ रहे नहीं। अभी क्या यहाँ पे हमको मटेरियल सेट करना है, मटेरियल सेट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट न्यू मटेरियल, न्यू मटेरियल को डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे टेक्सचर आ गया, टेक्सचर ऑप्शन को क्लिक कीजिए। चाहिए तुम जहाँ पे भी कुछ इमेज डालना है, तो मैं सिलेक्ट कर दिया, ओपन कर लिया, यस, अभी मेरा फ्लैग का इमेज आ गया, मैं सेट कर लिया। देखिए हो गया, अभी टेक्सचर के हिसाब से फ्लैग उल्टा दिखाई दे रहा है। मुझे क्या करना है,
मिनिमाइज कर दीजिए वो जो एडिट करना है मुझे अभी, आपको एडिट करना है रिव्यू, रिव्यू ऑप्शन के बाद रख के सेट कर दीजिए। ओके हो गया, नहीं हो क्योंकि ना वो मटेरियल पहले यूज हो चुका है, इसी के बाद हम क्या करना है वो दूसरा जगह ले सकते हैं। दूसरा जगह लेने के बाद इसको रोटेशन कर दीजिए। ओके आ गया, अभी फिर एक बार हमको मटेरियल सेट करना है। क्लिक कीजिए कहाँ से, रिकॉर्डिंग के अंदर बेल से स्नैपशॉट, क्लिक कीजिए ओपन रिप्लेस, हो गया। हो गया मेरा फ्लैग का एनिमेशन कंप्लीट।